आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 1। तो इसके पहले देखिए आपको दो वीडियो हम तीन वीडियो दे चुके थे आपका JCET बोर्ड का, जो भी अभी झारखंड बोर्ड का जो BEd का अभी काउंसलिंग चालू हो चुका है, तो काउंसलिंग का जो लिंक है अभी आपको दे दिया था यहाँ फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसका इस पर क्लिक करने के बाद वो खुल नहीं रहा था, आपका काउंसलिंग हो नहीं रहा था। तो अभी उसका जस्ट थोड़ा देर पहले ही आपका इसका जो लिंक है दे दिया गया है, अभी काउंसलिंग आपका चालू हो गया, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे आपको काउंसलिंग करना है आपको दिखा देते हैं, और वो लिंक अभी एक्टिवेट हुआ कि नहीं वो भी आपको अभी लाइव करके दिखा देते हैं। तो आप देख लीजिए कैसे करना है, उसके बाद कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए BEd का पर्पल अपडेट के लिए। झारखंड और वेस्ट बंगाल का BEd रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए कोई भी वीडियो अपलोड हो उससे पहले। तो देखिए ये है सेकंड काउंसलिंग का जो यहाँ पे देखिए आप लिंक है दे दिया है अभी, ये सेकंड काउंसलिंग का लिंक। इसके पहले वीडियो में भी आपको दिखाए थे ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ था, लेकिन जैसे इस पे क्लिक कर रहे थे तो वो अंदर जाके वहाँ पे सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट नहीं दिख रहा था। तो अभी देखिए इसको खोल के आपको दिखाते हैं अभी दे रहा है कि नहीं। तो अभी अभी कुछ देर पहले ये लिंक अभी एक्टिवेट हो चुका है, तो यानी कि आप जो है अभी अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वो आ चुका है ये लिंक। तो देखिए यहाँ देखिए आप सेकंड काउंसलिंग का जो आपका लिंक है वो जारी हो चुका है। इसके पहले आपको दिखाए थे कि यहाँ देखिए फर्स्ट काउंसलिंग का ही इस प्रकार से लिंक दिख रहा था, तो अभी देखिए यहाँ पे आपका सेकंड काउंसलिंग का भी लिंक दिख रहा है, और यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको अपना काउंसलिंग कर लेना है। तो ये आपको पहले वीडियो में हम दिखाए थे इसके पहले वीडियो में कि यहाँ पर ये लिंक नहीं आ रहा था, तो अभी इसको अपडेट किया गया है कुछ देर पहले ही, तो ये अपडेट आ चुका है नया अपडेट आपका। तो इस पे आप क्लिक करके क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो काउंसलिंग का आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए वो भी आपको करके दिखा देते हैं, पूरा तो नहीं थोड़ा दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। देखिए जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हेयर पर फिर से क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक हेयर पर फिर से जैसे क्लिक कीजिएगा आप, तो देखिए आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलेगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर योर एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आप अप्लाई किए थे झारखंड के लिए BEd के लिए, उसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को दे देना है। देखिए जो आप अप्लाई किए थे उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप डालिएगा उसके बाद आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, या सर्च पे क्लिक कीजिएगा आप। सर्च पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ सर्च बार पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ नीचे पे, नीचे देखिए एक नोट लिखा है, इस नोट को पढ़िए। इसमें आपको कहा जा रहा है जैसे आप ये सब डिटेल डालिएगा, उसके बाद आपका जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको एक पासवर्ड और पासवर्ड आईडी भेजा जाएगा, उसी को देके आपको लॉगिन करना। तो जैसे आपका पासवर्ड आईडी आ जाता है तो आप यहाँ इसको करने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा साइन इन पे। देखिए यहाँ पे साइन इन पे जाइएगा, यहाँ कोना में आपको दिख रहा है ये जो साइन इन है, साइन इन पे आपको साइन कर लेना है, साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन कीजिएगा तो आपके सामने वो दूसरा पेज खुलेगा। देखिए इस पर आप साइन इन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी यानी कि लॉगिन आईडी और यहाँ पे ईमेल आईडी, दो को चीज़ आपसे यहाँ पे मांग रहा है आपको, लॉगिन आईडी और यहाँ पे देखिए पासवर्ड, दोनों यहाँ देखिए लॉगिन आईडी या फिर ईमेल आईडी, ये दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको पासवर्ड देना, जो आपका मेल में पासवर्ड आएगा या फिर आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर में पासवर्ड आएगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, बाई चांस कोई दिक्कत होता है, तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड को सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है काउंसलिंग का, सेकेंड काउंसलिंग का आगे का प्रोसेस आपका होने लगेगा। फिर पेमेंट प्रोसेस है, आपको पेमेंट करना है, जैसे कि जनरल के लिए 400 रुपया पेमेंट करना है आपका काउंसलिंग के लिए, और आपका ST/ST और लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पे आपको 250 रुपया पेमेंट करना है। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पेमेंट फर्स्ट काउंसलिंग आप कर चुके हैं तो आपको ये सब पता ही होगा, अगर नहीं किए हैं तो फिर भी आपको बता दिए हैं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको तो सारा जानकारी होगा ही, फिर भी हम थोड़ा आइडिया दे दिए आपको कि कैसे करना है। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो देखिए ये अपडेट अभी आपका आ चुका है, ये लिस्ट आपका खुल रहा है। आप चाहते इसको मोबाइल से भी काउंसिल को, इसका जो आपका काउंसलिंग को कर सकते हैं मोबाइल से ही, अन्यथा आप इसको साइबर कैफे में जाके भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका सुविधा हो आप उस अनुसार इसको कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा प्रैक्टिकम असाइनमेंट आपको मिल जाएगा BEd रिलेटेड, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर बोल के सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं उसको और देख के अपना असाइनमेंट बनाने सीख सकते हैं।
तो आई होप कि आपको ये सारा जानकारी अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।